अल्पसंख्या समाधान फाउंडेशन और शहीद भगत सिंह सेना के लोग आए थे, क्या मकसद था और जो जहां पे कार्यक्रम हुआ था, अपना प्रदर्शन हुआ, वो किस चीज के लिए हुआ, किस तरीके का आपको ज्ञापन दिया गया? देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो देश के राष्ट्रपति को 125 सांसदों के हस्ताक्षर का ज्ञापन राष्ट्रपति भवन में जाके देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, यहाँ भी सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में इन्होंने ज्ञापन दी है देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। भारत में विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है। अभी हम कहते हैं कि 125 करोड़ का देश है, वर्ल्डोमीटर कहता है 136 करोड़, आज अगर स्मार्टफोन तो मिनट मिनट का वो देते हैं, सेकंड का, चाइना को दिखाते हैं 141 करोड़, लेकिन कुछ टीकाकारों का, कुछ चिंतकों का मानना है कि देश में 122 करोड़ जो आधार कार्ड बना है वो है। वो कहते हैं कि कुछ का छूट गया, जिनके थंब नहीं मिले, ये यानी 20-22 करोड़ वो है, यानी 140-145। फिर देश में ये सत्य है कि लगभग 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध हैं, इस ज्यादा हैं, इससे कम नहीं, यानी देश की आबादी लगभग चाइना के बराबर हो गया। चाइना एक मिनट में 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भारत एक मिनट में 30 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी 3 गुना। हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 18% से अधिक 20% के लगभग आबादी है, लेकिन जमीन मात्र, ऐसे जाएंगे साइट पर तो 2.5 मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि अब 2% ही है, पानी 4% है, जबकि चाइना को जमीन हमसे 3 गुना है। हमारे पास 92 देश में बड़े बड़े रिजर्वायर हैं, जिसमें मात्र 22% जल बच गया है। प्रतिवर्ष 3-4% स्तर जल का गिर रहा है, और प्यू रिसर्च ने कहा है कि 2023 तक भारत को जितना जल की आवश्यकता है उससे 55% अधिक जरूरत पड़ेगी। अभी 10 आदमी में 1 आदमी को पानी शुद्ध नहीं मिल रहा, ये तो विकास की बात हुई। 4 लेन की सड़कें दिल्ली से स्वीकृत होती है, बनते बनते उस पर 8 लेन की आबादी आ जाती है, वही विकास की गति। कहीं मुख्यालय में चले जाएं, गांव में, पंचायत में चले जाएं, आबादी के आधार पर स्कूल के कमरे का हो, या अस्पताल में बेड का हो, या रोजगार का हो, ये बढ़ती हुई आबादी देश के विकास और देश के सामाजिक समरसता के लिए बाधक है। देश में जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है, वहां वहां सामाजिक समरसता टूटा। आज इसकी संख्या लगभग 54 जिले हैं देश में। उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ भी 21 जिले, ऐसे तो 17 जिले की, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश मिला लेंगे
तो 21 जिले में आबादी बहुत गिर गई है। इसलिए देश को एक विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए एक कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। देश में कानून ऐसा हो जो हिंदू के लिए भी हो, मुसलमान के लिए भी हो। अगर दो बच्चे का कानून हो तो हिंदू के लिए भी लागू हो और मुसलमान के लिए, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, जैन के लिए भी, बौद्ध के लिए, और जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। जो ना माने उस पर आर्थिक कानून प्रतिबंध लगे, जो ना माने उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो। जब तक नहीं होगा, घटती हुई जमीन, घटता हुआ पानी, पर्यावरण का बिगड़ता हुआ, देश के संसाधन सीमित और देश में सामाजिक समरसता टूट रहा है, देश में एक कैराना नहीं है, देश के अंदर हजारों कैराना बन चुके हैं, जहां 99% हिंदुओं की आबादी है वहां सामाजिक समरसता है, जहां 10% हिंदू हैं, 20% हिंदू हैं, वहां सामाजिक समरसता कैराना की तरह हो गई है। इसीलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में बड़ी रैलियां की, अभी 34 जिलों में प्रथम चरण में ये धरने के माध्यम से उन जिलों को, उन राज्यों को, देश को जगाने की जरूरत है कि देश को जगाना। भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां आज़ादी के समय से लेके अब तक 90% की आबादी रहा, सामाजिक समरसता हिंदू के रग रग में है, लेकिन 1976 के बाद एक सेकुलरिज्म शब्द आया, इंदिरा गांधी ने लाई। वो सरकारी शब्द हैं, राजनीतिक शब्द है, भारत के बहुसंख्यकों के DNA में सामाजिक सेकुलरिज्म पहले से विराजमान है, आज भी है। दुनिया में भी कोई ऐसा देश नहीं है जहां 51% से अधिक आबादी हो मुसलमानों का, वहां सेकुलरिज्म हो। दुनिया में 22 ऐसे देश हैं, मुस्लिम कंट्री, जहां जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है, जब भी जनसंख्या की बात होती है इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, इसे शरीयत से जोड़ दिया जाता है, और ये वोट के ठेकेदारों के द्वारा, वोट के सौदागरों के द्वारा हो रहा है। इसीलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मानना है कि सड़क से लेके संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लोग जुट रहे हैं, रिटायर्ड फौज के लोग, बुद्धिजीवी इसके साथ जुट रहे हैं। हो सकता है आने वाले फरवरी में कोई ये बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करे, देश को जगाने के लिए। देश में पहली बार इन्होंने अमरोहा जिला के धनौरा में 16 सितंबर को बड़ी रैली की, उसके बाद बागपत में की, उसके बाद गाजियाबाद में की, उसके बाद ये आज इनका धरना का कार्यक्रम था, और मैं उसमें उनके साथ वैचारिक रूप से हूँ, मैं भी इनके लड़ाई में सम्मिलित हूँ, और मैं इस लड़ाई को जितना आगे हो सकेगा उतना ले जाने का काम करूँगा। किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हो, नहीं तो आगे मैं हापुड़ जाऊँगा। हमारे लोगों ने कहा
कि मैं पांच दिन पहले मैंने जिला ये मजिस्ट्रेट के ऑफिस में दी थी, जो मजिस्ट्रेट ने भी इसे स्वीकारा पब्लिकली, लेकिन मैं मजिस्ट्रेट के ही चैम्बर में रहा। मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अभी बंगाल में ममता जी ने रैली का आदेश नहीं दिया, मैं कानून का सहारा ले रहा हूँ, इसीलिए मैं मजिस्ट्रेट के चैम्बर में बैठा, मजिस्ट्रेट के साथ बाहर आकर के इनसे लिया। अब क्यों नहीं दिया ये तो, मतलब नहीं दी गई तो, पर नहीं इन्होंने दे दी, इन्होंने तो अप्लाई किया था, उन्होंने व्यवस्था भी की, कहा क्या कहा ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, और इसीलिए मैंने पालन नहीं किया। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस या सूचना अधिकारी तो दी गई थी, इससे पता लगता है कि हमने परमिशन दी है। सर परमिशन नहीं देने का कुछ कारण बताया होगा आपको मीटिंग में? अब मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लगता है कि अनभिज्ञता ही रहा। सर एक सवाल, आपके प्रश्न नोट में ये लिखा गया था कि अगर इस पे जल्द ही सरकार ने कानून नहीं बनाया तो मंत्री जी इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं पैदा लिया था एक सनातनी, एक हिंदू, मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बन के पैदा नहीं लिया था, और बाद में मैं बिहार में मंत्री बना, बाद में मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बना, बाद में मैं देश का सांसद बना, बाद में मैं मंत्री बना, आज देश के सामने विकास और सामाजिक समरसता दोनों के सामने ये बढ़ती हुई आबादी विकराल रूप लेके है। मैं कोई भी हद तक जाने को तैयार हूँ जन जागरण के साथ, उसी में मैं जागरण भी कर रहा हूँ, आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, आप भी आए इस आंदोलन में, मेरे आंदोलन जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का आंदोलन है, मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। आज आपने जो है प्रदर्शन किया, क्या मांगे हैं, किस लिए आपने प्रदर्शन किया गया है? एक ही मांग है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, इस विषय पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लगातार चार वर्षों से काम कर रहा है। 312 जिलों में टीमें लगातार दिन रात काम कर रही है, 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। 9 अगस्त 2018 को माननीय राष्ट्रपति जी को इस विषय पे ज्ञापन दिया, 4 सांसद और 2 हमारे संस्था के लोग एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति जी से मिला, उसके बाद में बड़े बड़े कई सारे धरने हुए और 125 सांसदों ने लिखित में हमें इस विषय पर आश्वासन भी दिया है और समर्थन दिया है। पहले भी धरना प्रदर्शन दिया गया था जनता मंत्र का, काफी दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद भी आज सरकार जो है यूपी में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, आज जो है मंत्री ने भी शिरकत की है, तो क्या माना जाए? लग रहा है कि संकेत ठीक है, कुछ लोग इस विषय पे साथ आ रहे हैं, 125 सांसद आए हैं, केंद्रीय मंत्री इस विषय पे ज्ञापन लेने आए, हम उम्मीद करेंगे इसी सत्र में सरकार कानून लेके आए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, जो आपका ये जो आप इस चीज के लिए आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो मांगे नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप क्या होगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए पहले तो हम आशावान है कि देश में जनसंख्या कानून बनेगा, सरकार इस पे बिल लेके आएगी, अगर सरकार बिल लेके नहीं आती है तो पूरा देश खड़ा होगा और सरकार से मांग करेगा आप कानून बनाइए, और अगर वो नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से जनता उनके खिलाफ जाएगी, और जो भी इस कानून का विरोध करेगा जनता उन सभी के विरोध। अनिल जी परमिशन को लेकर भी कुछ अड़चने आई थी, क्या अड़चने? देखिए बड़ा साधारण सा विषय है, 5 दिन पूर्व संस्था के विनय जी और दूसरे लोगों ने इस विषय पर परमिशन डाली, 5 दिन में सिटी मजिस्ट्रेट चूंकि है नहीं इसलिए आज उन्होंने कहा मैं नहीं था इसलिए अनुमति नहीं मिली, ये विषय प्रशासनिक है। क्या भारत जैसे देश में आम व्यक्ति एक परमिशन डाले और चूंकि एक अधिकारी नहीं है तो उनके नेक्स्ट जो अधिकारी है उसको करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, वही बात। माना जाए कि कमी रही मुख्य अतिथि रहने के बावजूद भी धरने में शामिल नहीं हो पाए केंद्रीय मंत्री? हाँ ये कमी रही प्रशासन की, उनको इसको समझना पड़ेगा, पूरे देश को समझना पड़ेगा,
अगर पूरे देश में ये व्यवस्थाएं हैं कि उन्हें पता है ज्ञापन लेने केंद्रीय मंत्री आ रहा है, तो आम आदमी को कितनी दिक्कतें होंगी। 5 दिन में आप परमिशन नहीं दे पाए। आप अपने कार्यालय में आप ये समझ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन आप अनुमति नहीं दे रहे हैं लिखित में, तो ये व्यवस्था की कमी है। आज जो है केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि, लेकिन इस धरने में शामिल नहीं हो पाए, वजह क्या रही जिस शामिल नहीं? वजह जो रही वो आपके सामने अनिल जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि हमारे ही अपने देश में ये विडंबना है कि हम प्रदर्शन के लिए आए हैं और ज्ञापन के देना था, हमने उन्हें सौंपना था, और ये परमिशन के लिए पहले 5 दिन पहले हमने परमिशन के लिए लेटर भेजा था। अब एक सीनियर ऑफिसर की वजह से, ना होने की वजह से अगर परमिशन नहीं दी गई, उसके लिए हमें इंटीमेशन नहीं दिया, हम अपने समय से अपने टाइम से यहाँ पहुँचे, और जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे भी खेद है, क्योंकि ये सारा यहाँ की कलेक्ट्रेट में जो प्रशासनिक लोग थे उन लोगों को ये सॉल्व करना था, जो कि उन लोगों ने नहीं किया। ये था जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से जनसंख्या कानून रैली के लिए, जिसमें कि शहीद भगत सिंह सेना नोएडा, उनकी भागीदारी इसमें थी।